क्या नाम है आपका और आप यहाँ आज आए हैं, क्या है पूरा मामला? जितेंद्र कुमार नाम है, ग्राम प्रहरी है। और ग्राम प्रहरियों की मांग है, जो कि 150 वर्ष पहले से ये ग्राम प्रहरी विभाग है जो ब्रिटिश हुकूमत से चल रहा है आज तक। और वहीं यूपी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने चौकीदारों से एक वादा किया था कि अगर आप हमको सपोर्ट करोगे तो हम आपको या तो दर्जा प्राप्त कर्मचारी देंगे या फिर आपको 10,000 से अधिक आपका मानदेय वेतन देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदार के नाम पर सरकार बनाई, लेकिन चौकीदार चौकीदार ही रहा। इसका मात्र अभी तक जो है वो 2500 रुपये मानदेय है, जिससे इनका ना तो घर का गुजारा चलता है ना बच्चों का मेडिसिन चलता है। इसी के साथ आज तक प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने चौकीदारों के मामले में अभी तक नहीं सोचा। साथ ही हमारी जो मांग है, या तो हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, अगर दर्जा नहीं दिया जाता है तो कम से कम हमारी 18,000 रुपये मासिक वेतन या मानदेय किया जाए। तो कहते हैं कि आपसे उम्मीद लगाई थी, आपने किया, सपनों को तोड़ा, अब हम अपनी बात किसके पास कहें जाके, उन्होंने भी हमसे मुंह मोड़ा। अब हम अपनी बात को जहां भी लेके अगर जाते हैं तो वो लोग भी हमको उसी प्रकार से धुतकार देते हैं। तो बस यही बात लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब के द्वारा, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ये ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। और कई बार टेम्पलेट ज्ञापन पत्र के माध्यम से ये बात हमने अपनी रखी है, लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। बस हमारी मांग यही है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए और या राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आज कितने ग्राम प्रहरी यहाँ मौजूद हैं? लगभग हमारे ये ग्राम प्रहरी 30-35 हैं यहाँ पर अभी। जनपद में कितने ग्राम प्रहरी है? जनपद में 1800 के लगभग हैं। जिले में ही दिया जा रहा है और भी कहीं जगह पे? अदर जिले में भी दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है।